वीडियो देखने वाले सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम। किसान भाइयों, आज हम आए हैं दशमेश हार्वेस्टर कंबाइन के अंदर, कंपनी के अंदर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दशमेश का 9100 मॉडल, यानी कि दशमेश 9100 कंबाइन का मॉडल, और जानेंगे सर से कि इस कंबाइन के अंदर क्या विशेषताएँ, क्या खासियतें हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। ये जो है हमारी स्टॉल 6667 नंबर, जो कि लगी है कृषि दर्शन एक्सपो में, यहाँ पे हिसार NRFMTT में। यहाँ पे हमारी जो स्टॉल पे हमारी ये कंबाइन हार्वेस्टर लगी है दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस मॉडल का नाम है इसका। इसकी जो हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इसका जो है कटर बार है, 14 फीट का इसका कटर बार है, जो कि अंदर से अंदर कटाई करता है 14 फीट के। इसके अंदर 5 रील में और 6 रील में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसकी अगर कटिंग की बात करें तो ये गेहूं की कटाई करता है, धान की कटाई करता है, सोयाबीन की कटाई करता है, दालों की कटाई करता है, और इसके अलावा इसको आप सरसों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सरसों के लिए हमारे पास स्पेशल अटैचमेंट है, जो कि सरसों के लिए प्रॉपर काम करती है और सरसों बिना नुकसान के काटती है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के गेयर बॉक्स की। तो जो इसके अंदर गेयर बॉक्स लगा हुआ है वो हमारा अपना कंपनी का पेटेंट गेयर बॉक्स है। इसके अंदर 4 स्पीड में गेयर बॉक्स है ये, जिसका 3rd गियर जो है वो कि टॉप गियर है और 4th जो है रिवर्स है। इसमें विशेषता इसकी ये है कि इसको रोड पे चलाने के लिए या फिर खेत में चलाने के लिए आपको कोई भी पुली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर 14 इंच की पुली आती है वही पुली आप जो है रोड पे चला सकते हो और वही जो है खेत में चला सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टायर की, तो टायर के अंदर आपको चॉइस मिल जाती है BKT के लेने हैं, MRF के लेने हैं, गुडियर के लेने हैं या फिर C8 के लेने हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइन के पेंट की क्वालिटी की। तो पेंट जो है हमने नया प्लांट लगाया है, शॉर्ट ब्लास्टिंग करके हम पेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो इससे पेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा उभर के आई है और जो है पेंट ख़राब नहीं होता, सालों साल लंबा चलता आ जाता है ये, ठीक है जी। इसके बाद इसके एलिवेटर्स की बात करें तो दोनों एलिवेटर्स अलग अलग काम करते हैं, और इसके अंदर जो बेल्टें हैं वो सारी पिक्स कंपनी की बेल्टें लगी होती हैं, जिसके ऊपर पिक्स एंड दशमेश का मार्का लगा होता है, ठीक है जी। जितनी भी चेने हैं वो डायमंड कंपनी की चेने लगी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका जो पीछे का हिस्सा है उसकी बात करें तो कंप्यूटराइज थोड़ा टेढ़ा है, एक टायर थोड़ा आगे है, एक थोड़ा पीछे है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रॉ वॉकर की। सर, जैसे हम अगर हम बात करें हिस्से की, हाँ जी, एक्चुअली मैं तो आपकी इस बात को समझ पा रहा हूँ कि हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा है जी, लेकिन हमारे किसान भाई को इसका प्रॉफिट बताया क्या होगा? इसका प्रॉफिट ये है कि जैसे कंबाइन खेत के अंदर चलती है तो खेत के अंदर चलते हुए खेत के अंदर मेड़ वगैरह आती है, उस अगर दोनों एक साथ टायर मेड़ पे चढ़ जाते हैं, एक साथ उतरते हैं, तो उससे कंबाइन को झटका बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो उस झटके को कम करने के लिए कंपनी ने एक टायर थोड़ा आगे कर दिया, एक थोड़ा पीछे कर दिया, उससे क्या है कंबाइन को झटका नहीं लगता, एक टायर पहले उतर जाता है दूसरा बाद में उतरता है, कंबाइन झटके से बच जाती है, जिससे कंबाइन का नुकसान कम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम इसके स्ट्रॉ वॉकर की, तो इसमें 5 स्ट्रॉ वॉकर आते हैं, ठीक है। 5 स्ट्रॉ वॉकर का ये फायदा है कि इसके जो क्रैंक हैं वो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, कहीं पे भी मिल जाते हैं। कंपनी ने इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्ट्स लगाए हैं जो आसानी से कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं, इसलिए इसके अंदर 5 स्ट्रॉ वॉकर आ रहे हैं। उसके बाद बात करें हम सीव की, इसके अंदर डबल सीव जो लगी हुई है, इसका फायदा ये है कि किसान को जो दाना है बहुत बहुत साफ आता है और नुकसान बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर ही होता है, ठीक है जी। इसके बाद बात करें हम छोटी स्टेपनी इसके साथ देते हैं, ठीक है। और जो बात करें हम इसके डीजल टैंक की, तो डीजल टैंक की कैपेसिटी वैसे तो 370 लीटर की है, पर हम जो एडवाइस करते हैं वो यही करते हैं कि आप इसके अंदर 350 लीटर ही डीजल डालें, उससे ज़्यादा मत डालें, क्योंकि थोड़ी जो स्पेस है वो गैस के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है जी। जितनी भी इसके अंदर पुलियों की बात करें हम, तो वो पुलर सिस्टम वाली पुलियाँ लगी हुई हैं, कटर वाली पुली नहीं लगी हुई है। इसके अंदर क्या है, आप 4 नट जो है खोलिए, 2 नट टाइट कीजिए, पुली बाहर आ जाती है आपकी, आपको कोई भी छेनी हथौड़ा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको खोलने के लिए, ठीक है। जो एलिवेटर हैं हमारे, ये सारे फोल्डेबल सिस्टम के साथ लगे हुए हैं। इनका फायदा ये है कि जैसे चोक हो जाता है अगर बाय चांस एलिवेटर आपका, तो आप इसको जो है ओपन कीजिए और जो है एलिवेटर आपका खुल जाता है, ठीक है। ये देखिए आप पेंट की क्वालिटी देखिए हमारी, यहाँ हर एक पार्ट पे लगा हुआ है पेंट, ठीक है। ये हमारी पेंट की क्वालिटी है। और इसके अलावा आपको एक
खूबी और बताऊं, हमारा क्या है, अकेले अकेले पार्ट को अलग अलग से पेंट करते हैं हम, उसके बाद उसको असेंबली करते हैं, असेंबल करते हैं उसको। उसका फायदा ये होता है कि एक एक पार्ट के नीचे भी पेंट लग जाता है। अब अगर आप ये बेरिंग खोलोगे ना, तो बेरिंग के आपको नीचे भी पेंट लगा हुआ मिलेगा। उसका फायदा ये है कि मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया इसका एयर टैंक। एयर टैंक के अंदर आपको जो नोजल फिट लगी हुई मिलती है, इसके अंदर अगर आपको बाय चांस टायर में हवा कम ज़्यादा हो जाती है तो आपको उससे आसानी होती है, उससे भर सकते हो आप। बाकी इसके आप ऊपर नोजल दूसरी लगा के सफाई भी कर सकते हो। तो अगर हम बात करें मशीन की चेसिस की, तो चेसी जितनी भी है हमारी वो प्लेट में बनी हुई है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जितनी भी इसके अंदर लोहा यूज़ हुआ है वो सारा का सारा टाटा का लोहा यूज़ हुआ है, ठीक है। और चेसी हम क्या करते हैं, हम इसको वेल्डिंग नहीं करते हैं, वेल्डिंग ना मात्र ही करते हैं इसको, हम चेसी को रिबटों से टाइट करते हैं। आप देख सकते हो कि रिबटों से टाइट किया हुआ है सबको, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे वेल्डिंग जो है कुछ टाइम के बाद अपनी पकड़ छोड़ देती है, पर रिबटें जो हैं वो जहाँ पर टाइट हो गई तो समझो हो गई, वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ती। रिबटों का फ़ायदा ये है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजन में, आप देख सकते हो अशोक लेलैंड का एच सीरीज़ का लाल हिनो इंजन मॉडल रखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका ये है इंजन, हम बिल्कुल पेटी बंद बिल्कुल नया इंजन रखते हैं डिब्बे से निकाल के। ये देखिए अभी इसका भी जो है वैक्यूम इंडिकेटर का कवर मैंने अभी आपके सामने उतारा है, ये बिल्कुल नया इंजन रखा हुआ है। पुराना हम कोई भी एक, आपको मशीन के अंदर एक भी नट भी पुराना नहीं दिखेगा आपको। तो ये हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कंबाइन के कैबिन की। तो कैबिन के में सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग जो है हमारा वो एडजस्टेबल है, आप ये लीवर जो है इसके साथ इसको घुमा के ढीला करके स्टेयरिंग जो है एडजस्टेबल आगे पीछे कार की तरह हो जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो सीट है गाड़ी की, सीट भी एडजस्टेबल है, यहाँ पर लीवर दिया हुआ है, लीवर के साथ आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी एडजस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीज फायर सिलेंडर मिला हुआ है। बाय चांस खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, अगर ड्राइवर थोड़ा समझदार है वो साथ ही साथ संभाल सकता है स्थिति को, ठीक है। उसके बाद बात करें हम ब्रेक पैडल की, तो गाड़ी के अंदर हमने जो है, जो हमारे हिसाब से है वो सिंगल लीवर देते हैं हम, सिंगल पैडल में जो है ब्रेक आती है, जो डिस्क ब्रेक है वो आती है। बट अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे डबल पैडल में चाहिए, तो डबल पैडल में भी मिल जाती है, पर उसका क्या है, आपका जो ऑपरेटर है वो थोड़ा कंबाइन के साथ धक्का करता है, जोर ज़्यादा लगवाता है गाड़ी का, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये सिंगल लीवर में, आप देख सकते हो कि सिंगल लीवर गियर बॉक्स में गाड़ी है हमारी, बिल्कुल कार की तरह आप आराम से गियर बॉक्स जो है गियर चेंज कर सकते हो, इसके कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, डबल लीवर वाला सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए ये कंट्रोल पैनल है सारा, जितना भी कंट्रोल पैनल है वो सारा का सारा जो ड्राइवर बैठा है सीट के ऊपर उसकी बिल्कुल पहुंच के अंदर है सारा कुछ, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, सारा का सारा उसकी बिल्कुल पहुँच के बिल्कुल हाथ के अंदर ही है सब कुछ, कहीं दूर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारी गाड़ी की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा आपको जो है इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम भी साथ में मिलता है, पूरा फिटेड मिलता है, ठीक है। कहीं से बाहर आपको कोई एक्सेसरी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हेल्पर सीट है वो भी आप देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी की हेल्पर सीट लगी हुई है, और उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी स्पेस कम हो, स्पेस भी पूरी है इसके अंदर, क्वालिटी अच्छी है, स्पेस भी पूरी है, ठीक है। ये हमारी गाड़ी की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। तो किसान भाइयों, आपने देखा, जाना और समझा कि 10 में 9100 में क्या क्या विशेषताएं हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ये हार्वेस्टर पसंद आता है और आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आप कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर 8872688726, यानी कि 88726 पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो देखने वाले सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम। किसान भाइयों, अगर आपको ये हार्वेस्टर पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।